गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लिवोसिट्रिजिन टेबलेट के बारे में। लिवोसिट्रिजिन टेबलेट एक एंटी हिस्टामिक टेबलेट होती है। और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, तो इसके यूजेज होते हैं एलर्जी कंडीशन, यानी अपने बॉडी में या स्किन पर कोई भी एलर्जी हो जाए उस टाइम अपन लिवोसिट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं। फिर बाद में आता है एलर्जी राइनाइटिस, यानी एलर्जी राइनाइटिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि इचिंग, वाटरी आई, यानी इचिंग का मतलब है खुजली होना स्किन के ऊपर, या वाटरी आईज का मतलब होता है आंखों से पानी बहना, स्नीजिंग का मतलब बार बार छींक आना, और यूटिकेरिया। यूटिकेरिया का क्या यूजेस होता है, यूटिकेरिया का मतलब होता है कि स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी का यानी मतलब होता है कि स्किन के ऊपर किसी भी मच्छर या फिर किसी भी कीड़े मकोड़े के काट जाने से स्किन के ऊपर जो एलर्जी नुमा दाग या स्किन का ऊपर उठ जाना, उसे अर्टिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन ड्यू टू अदर ड्रग्स, यानी इसका अगले यूजेस कब यूज़ लेती है इसको, तो रिएक्शन ड्यू टू अदर, यानी अदर ड्रग्स की वजह से रिएक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उस टाइम अपन लिवोसिट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं। इसके और भी अदर यूजेज आते हैं, जैसे कि जुकाम में इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिवोसिट्रिजिन के डोज के बारे में, कितना डोज बच्चों में देना है, चाइल्ड में कितना डोज देना है, एडल्ट में कितना डोज देना है, यानी कि 3 साल से और 12 साल के मध्य के बीच के बच्चों को ढाई एम जी टेबलेट देनी है। यानी कि लिवोसिट्रिजिन आती है वो 5 mg की आती है, तो उसमें अपन को आधी टेबलेट ही बच्चों को देनी है, वो भी दिन में एक बार। अगर अपन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 mg, यानी 5 से 10 mg टेबलेट, यानी एक टेबलेट या 2 टेबलेट दिन में ले सकते हैं 24 घंटों के अंतर्गत। अगर कोई कंडीशन सीवियर हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के अनुसार डॉक्टर उसकी हालत देखकर वो 10 mg प्रिस्क्राइब कर देगा, वरना अपन को 5 mg टेबलेट ही लेनी है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या नोट दिया हुआ है। इट इज इफेक्टिव ऑफ हाफ द डोज एंड अपीयर टू प्रोड्यूस लेस सेडिटेशन एंड अदर साइड इफेक्ट्स, यानी कि अपन को इसमें बताया गया कि यह एक इफेक्टिव हाफ डोज है जो कि प्रोड्यूस लेस, यानी कम करता है सेडिटेशन एंड अदर साइड इफेक्ट्स को, लिवोसिट्रिजिन टेबलेट कम करती है। लेकिन सिट्रिजिन टेबलेट में साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, या सेडिटेशन ज़्यादा हो सकती है, या साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसकी तुलना लिवोसिट्रिजिन की तुलना सिट्रिजिन टेबलेट से की गई है। लिवोसिट्रिजिन टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट के बारे में सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है सेडिटेशन। यानी सेडिटेशन का मतलब होता है कि इस टेबलेट को लेने के बाद अपन को नींद आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि यह नींद आएगी ही, या किसी किसी व्यक्ति के यह सूट कर जाए या फिर किसी के लिए यह सूट नहीं करे तो उसको नींद आ सकती है। इस टेबलेट को लेने के बाद भारी मशीनरी, कोई भी ड्राइविंग या फिर यह काम नहीं करना चाहिए, ताकि इसमें आपको दुर्घटना हो सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट है वो ड्राई माउथ, यानी माउथ ड्राई हो सकता है, डिजाइनेस यानी चक्कर भी आ सकते हैं। और अगला साइड इफेक्ट होता है नोज़ एंड वोमिटिंग, यानी कि आपको उल्टी भी हो सकती है। अगला साइड इफेक्ट होता है डायरिया, इस टेबलेट को लेने के बाद लूज मोशन या आपको दस्त लग सकती है। लिवोसिट्रिजिन का लास्ट साइड इफेक्ट होता है वो होता है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि आपको जो कि पेट में दर्द या जो आगे वाला पार्ट होता है, पेट का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यह टेबलेट लेने के बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, बाकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लिवोसिट्रिजिन टेबलेट लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, लिवोसिट्रिजिन टेबलेट लेने के बाद आपको किडनी डिजीज हो सकती है,
किडनी डिजीज जैसे कि फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देना या कि किसी भी यूरिन का फिल्ट्रेशन कम कर देना, पत्रिका हो जाना, यह सारी लिवोसिट्रेजिन टेबलेट के में जो किडनी की जो सारी की सारी डिजीज होती है वो लिवोसिट्रेजिन टेबलेट ज़्यादा लेने से हो सकती है। आगे अपन बात करेंगे तो लीवर डिजीज़ यानी कि लिवोसिट्रेजिन का टेबलेट का ज़्यादा यूज़ लेने से लीवर भी डैमेज हो सकता है। आपको तीसरा प्रिकॉशंस आता है कि ड्राइविंग अवॉइड ड्राइविंग यानी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए लिवोसिट्रेजिन टेबलेट लेने के बाद, क्योंकि लिवोसिट्रेजिन टेबलेट लेने के बाद आपको नींद आ सकती है और नींद में आप ड्राइविंग करेंगे तो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका चैनल, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऐसे ही मेडिसिन पर आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।